हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का जो फोर्थ मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हमारा रिवाइज्ड सिलेबस है ओ लेवल का, उस पर बेस्ड है। उसकी रेगुलर क्लासेस अब स्टार्ट हमने कर दी हैं। आप जैसा जानते हैं, हम चैप्टर वन कर रहे हैं और चैप्टर नंबर वन का आज पार्ट टू है। जिस चैप्टर नंबर वन का नेम, जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एप्लीकेशंस डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल है। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं हमारी वीडियोस में, वो है हमारा इवेल्यूएशन ऑफ IoT एंड सेकेंड वन इज IoT डेफिनेशन। IoT की डेफिनेशन क्या है? जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्या सीखा कि IoT क्या हुआ। ह्यूमन इंटरेक्शंस के बिना डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, डेटा ट्रांसफर करके हमें रेस्पॉन्स दे रही है, वो हमारा IoT स्कीम के अंडर में आ रहा है। तो आज देखते हैं हम IoT का जो इवेल्यूएशन हुआ है ना, इसका जो विकास हुआ है वो किस तरह से हुआ है। जैसा कि सबसे पहला आया प्री इंटरनेट, जैसा कि जब इंटरनेट नहीं था तब यूजर्स किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वो हमारा प्री इंटरनेट में होता था। जैसे पहले जब इंटरनेट का इतना यूज नहीं था, तो ह्यूमन जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, तो वो सिंपल फोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टेलीफोन्स के थ्रू ह्यूमन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो ये हमारा IoT के जन्म से पहले जो चल रहा था, उस प्रोसेस को बता रहा है इवेल्यूएशन ऑफ IoT में। प्री इंटरनेट यानी इंटरनेट से पहले क्या था, पर्सन आपस में मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, सनराइज ऑफ इंटरनेट, यानी जब प्री इंटरनेट, बिना इंटरनेट के यूजर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा दशक आया जिसमें कि इंटरनेट का क्या हुआ, उदय हुआ। इंटरनेट के उदय से क्या हुआ, आज एक पर्सन घर बैठा हुआ मात्र केवल एक क्लिक के थ्रू ही दुनिया भर की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने घर पर ले सकता है। कोई भी क्लिक के थ्रू वो आगे की प्रोसेस देख सकता है। किसी डिवाइस को रन करना हो, क्लिक करना हो, ऑन ऑफ, वो घर बैठे, किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी प्रोसेस को वो घर बैठे सिंपल वे में कर पा रहा है। किसके थ्रू, इंटरनेट का जब उदय हुआ। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेट ऑफ पीपल। फिर क्या हुआ, जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा आया है ना, इंटरनेट का यूज स्टार्ट हुआ, तो यूज़र्स ने क्या करना स्टार्ट करा, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जिसके थ्रू क्या करने लगे, यूज़र्स इंटरनेट का यूज़ करने लगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने लिंक्डइन हो गया, हमारे यूट्यूब हो गया, जिस तरह आप यूट्यूब पे ये वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंटरनेट के यूज़ के थ्रू ही पॉसिबल हुआ कि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, हम घर बैठे देखिए नॉलेज अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे लेक्चर्स हमें हमारी रेगुलर क्लासेस में मिल रहे थे, सेम वैसे के वैसे लेक्चर्स हमें ऑनलाइन हमें मिल रहे हैं। तो ये सब किसके थ्रू हुआ, इंटरनेट का, जब पर्सन्स ने अपने साथ यूज़ करना स्टार्ट किया। जैसे ही इंटरनेट आया, इंटरनेट के साथ साथ इसके यूजेस बढ़े, कई एप्लीकेशंस बढ़ी, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बढ़े जिससे यूजर्स आपस में क्या करने लगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे, अपनी डिटेल्स शेयर करने लगे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। आज अगर हम इंडिया में यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियोज़ देख सकते हैं, तो वही वीडियोस आप कहीं फॉरेन कंट्रीज में भी देख सकते हैं, फॉरेन की वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्रांति क्या हुई, एक तरह से इंटरनेट के यूज के थ्रू स्टार्ट हुई। फिर आता है बर्थ ऑफ IoT। जब लोगों ने इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद लोगों ने IoT का जो बर्थ हुआ। IoT के बर्थ यानी, अभी तक तो ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, ह्यूमंस आपस में एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे थे। अब IoT ने क्या करा, डेटा इस तरह से शेयर कर रहा विदाउट ह्यूमन हेल्प के, कि आपस में डिवाइसेस ही किस तरह से कर रही है, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, हर एक एक्शंस को
एक्शंस पे वर्क कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, जब इंटरनेट का लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी प्रोसेस की जाए कि डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, जितना भी वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और क्या कर सके, डेटा कैप्चर करके उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे सके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सेंसर डिवाइस से क्या करा, डेटा कैप्चर किया, उसको एनालाइज करा और फिर उसका रिजल्ट शो करवाया गया। तो इन सब की ज़रूरतों को देखते हुए ही कि जब मानव हस्तक्षेप को कम करते हुए डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाने के बारे में सोचा गया, तब क्या हुआ, हमारे IoT का प्रॉपर विकास हुआ। IoT जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्योंकि क्या होता था, हर एक चीज को मानव मस्तिष्क याद नहीं रख सकता था। तो मानव ने सोचा कि मानव एक दूसरे से कम्युनिकेट इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिस तरह IoT का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए। आज अगर हम कुछ चीज़ याद करके कोई कम्युनिकेशन कर भी लेते हैं तो कल हम भूल जाएंगे, जबकि डिवाइसेस में इस तरह से प्रोग्रामिंग की जा रही है कि वो आपस में कितना ही लंबे समय क्यों ना हो जाए, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इवैल्यूएशन ऑफ IoT क्या है, यानी IoT से पहले किस तरह से इंटरनेट का यूज था और IoT का डेवलप इवैल्यूएशन कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं IoT की डेफिनेशन। दी IoT कैन बी व्यूड एज अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इनेबलिंग एडवांस सर्विसेज बाय इंटरकनेक्टिंग physical or virtual things based on existing and evolving interoperable information and communication technology, yani ICT। ठीक है, IoT के definitions के बारे में हम जाने, तो IoT क्या है, एक सूचना है जो कि क्या है, बहुत ही वाइड प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ये डेवलप किया गया है IoT को, जिसमें कि डिवाइसेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही है, किन किन मेथड्स के थ्रू, फिजिकल एंड वर्चुअल। फिजिकल डिवाइसेस यानी जिनका फिजिकल भौतिक अस्तित्व है, जिन्हें आप छू सकते हैं, और वर्चुअली यानी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होके एनालाइज हो रहा है। वर्चुअली और फिजिकल दोनों का कंबाइंड मिक्सचर्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, IoT पे वर्क किया जा रहा है, IoT का यूज हो रहा है आज के टाइम। फिजिकल जैसा कि आप समझ गए, कोई भी जिसका भी भौतिक अस्तित्व है, जैसे हमारा लैपटॉप है, तो ये क्या है, फिजिकल प्रेजेंस है। बट वर्चुअल यानी क्लाउड पे आपका कहीं डेटा स्टोर हो रहा है ना, वर्चुअली आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट डिवाइसेस आपस में प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा, तो वो क्या हो गया, आपका वर्चुअल थिंग्स है, है ना। इन दोनों के थ्रू जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तो वो हमारा किस में आ गया, IoT की डेफिनेशंस के अंडर में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, IoT डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल थिंग्स, और ऑफ द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड इंटीग्रेटेड इनटू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। थिंग्स क्या है, आपके फिजिकल वर्ल्ड, जैसा कि आपके फिजिकल वस्तुएं हो गई, थिंग्स हो गया, या फिर आपकी सूचना की दुनिया, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड यानी सूचना की दुनिया, जिसे हम वर्चुअल दुनिया कहते हैं, कि वस्तुएं हैं जो संचार नेटवर्क में पहचानी और इंटीग्रेटेड होने में कैपेबल है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके थिंग्स, यानी जब भी IoT पर बात की जाएगी तो इन दोनों मेथड्स को याद किया जाएगा, एक तो फिजिकल और वर्चुअल, यानी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का आपका फिजिकल प्रेजेंस है और कहीं ना कहीं वर्चुअली आभासी आपका डेटा स्टोर है। इन दोनों के थ्रू क्या हो रहा है, IoT पर एट प्रेजेंट वर्क हो रहा है। थिंग्स से जुड़ी सूचनाएं और आप जो आपकी थिंग्स है, इससे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो फिक्स भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, और डायनामिक भी हो सकती है। यानी मान लीजिए मौसम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपका कोई भी डिवाइस है, AC का स्पीड देख लीजिए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो किस में आ गया, आपके डायनामिक में आ गया, और स्टैटिक आपने फिक्स कर दिया, हाँ भाई अगर ये लेवल है 24 पे आते क्या हो जाए, AC बंद हो जाए, ऑन हो जाए,
ऑफ हो जाए तो वो सब क्या होती है, फिक्स होती है। तो जो भी आपकी थिंग्स होती है वो स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों के अंडर में आती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल थिंग्स क्या होती हैं, है ना। देखिए आईओटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए फिजिकल थिंग्स एंड वर्चुअल थिंग्स क्या है और आईओटी की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। तो हम आज देख रहे हैं फिजिकल थिंग्स। फिजिकल थिंग्स एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग सेंस्ड, एक्टिवेटेड एंड कनेक्टेड। फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, फिजिकल आपकी थिंग्स मौजूद होती है जो कि क्या होती है, एक्टिव और हमेशा एक दूसरे डिवाइसेस से जुड़ी हुई होती हैं। तभी ये क्या कर पाती हैं, एक दूसरे से सेंस के अकॉर्डिंग, सेंसर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करती हैं रिकॉर्ड्स एंड उसके अकॉर्डिंग कनेक्टेड होती है सभी डिवाइसेस। अगर फिजिकल दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी तब तक आईओटी पे प्रॉपर वर्क नहीं होगा। तो फिजिकल प्रेजेंस होना किसी भी डिवाइसेस का बहुत ही जरूरी होता है आईओटी पे वर्क के लिए। मान लीजिए आपके पास फिजिकल डिवाइसेस नहीं है कोई, तो आप आईओटी पर वर्क किस तरह से कर पाएंगे, है ना। केवल वर्चुअली डेटा स्टोर करके तो आप नहीं कर सकते, तो आपके पास तो होना चाहिए फिजिकल थिंग्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल थिंग्स इंक्लूड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें, ठीक है, फिजिकल थिंग्स के हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारे आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं और हमारे गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, तो ये भी किसके अंडर में आते हैं, फिजिकल थिंग्स के अंडर में ही आते हैं, एग्जाम्पल्स में आते हैं। जैसे रोबोट्स हो गया, आप रोबोट्स के थ्रू वर्क करवाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले उसका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, तभी आप उसके थ्रू करवा सकते हैं। केवल आप उसे वर्चुअली बना के तो रोबोट पे वर्क नहीं कर सकते। यही है कि यह फिजिकल एग्जाम्पल है, आप फिजिकल थिंग्स के एग्जाम्पल्स में आपके रोबोट्स एंड ये जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट्स के और आपके गुड्स हो गए, माल हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, जो भी इक्विपमेंट्स हो गए इलेक्ट्रिकल, वो हमारे किस में आते हैं, फिजिकल थिंग्स में, जिनकी भौतिक प्रस्तुति है यानी भौतिक उपस्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्चुअल थिंग्स। वर्चुअल थिंग्स एग्जिस्ट इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड एक्सेस्ड। वर्चुअल थिंग्स क्या है, हमारा ये जो हमारी वर्चुअल दुनिया यानी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड कहते हैं जिसे हम, ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना और उसे एक्सेस करने में क्या है, कैपेबल है। जैसा कि मान लीजिए वर्चुअल दुनिया है, आपका डेटा, आपने फॉर एग्जांपल हम गूगल ड्राइव पे हमारी फ़ोटोज स्टोर करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से वर्चुअल स्टोरेज मिल रही है आपको अपनी फ़ोटोज स्टोर करने के लिए। तो जो आईओटी पर, अगर हम किसी भी आईओटी पर वर्क करेंगे तो आप अगर किसी को कमांड दे रहे हैं कि 24 टेम्परेचर पे ऑन या ऑफ हो जाए, तो ये क्या हो रहा है, वर्चुअली आपका डेटा स्टोर हो रहा है। स्टोर होने के बाद एनालाइज किया जा रहा है कि क्या 24 ही टेम्परेचर है, तो उसको क्या किया जा रहा है, ऑन या ऑफ किया जा रहा है। ये स्टोर हो रहा है जो आपका रिकॉर्ड, वो क्या है, आपका वर्चुअल थिंग्स के अंडर में आता है। एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल थिंग्स इंक्लूड मल्टीमीडिया कंटेंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्चुअल थिंग्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें मल्टीमीडिया कंटेंट्स हो गए, या फिर आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि डेटा स्टोर करने का काम, प्रोसेस करने का काम और वहाँ से डेटा एक्सेस करने के लिए यूज में लिए जा रहे हैं। ऐसा डेटा जो आपको दिखता नहीं है बट वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है, कहीं ना कहीं आपको उसका स्टोरेज मिल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो सब किस में आ रहे हैं, आपके आईओटी के वर्चुअल थिंग्स में आ रहे हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में आईओटी की डेफिनेशन, आईओटी का इवैल्यूएशन, साथ ही साथ फिजिकल थिंग्स एंड वर्चुअल थिंग्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताएं कि आपको कोई डाउट है या नहीं है, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो ये भी मुझे बताएं। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।